संगठन में भागीदारी का जो एक नया परिकल्प पिछड़ों के सामने आया है, उससे पिछड़ों में उत्साह है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना पिछड़ों के लिए बड़ा मंच है। मोदी कैबिनेट में पिछड़े वर्गों के 27 सांसदों को कैबिनेट में स्थान देना सत्ता में हिस्सेदारी का बड़ा फैसला है। नीट में 27% रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करना युवाओं के लिए, पिछड़े युवाओं के लिए एक बहुत बहुआयामी योजना है। क्रिमिनल आय से आय सीमा 6 लाख से 8 लाख करना, ओबीसी उद्यमियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के की भारी मांग पर तीनों कृषि बिल, जिसकी मांग लगातार देश के कुछ किसान संगठन कर रहे थे, उन तीनों बिलों को वापस लेकर इस बात का खेद भी जताया है कि शायद हम कुछ किसानों को संतुष्ट नहीं कर सके, उनको बिलों की योग्यता सफलता के बारे में नहीं बता सके। तो मैं और हम जैसे तमाम देश के लोग ये महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने दरिया दिली दिखाई है, बड़े दिल का परिचय दिया है, और जो लोग संतुष्ट नहीं थे बिलों के माध्यम से, उनको संतुष्ट करने के लिए किसान हित में अपने फैसले को वापस लिया है, जिसकी प्रतिक्रिया और क्रिया पूरे देश के किसानों में एक उल्लास के साथ दिख रही है। कल मोदी जी की घोषणा के बाद हजारों लाखों किसानों ने खुशी जाहिर की है, मिठाइयां बांटी हैं, ढोल बजाए हैं। तो मतलब साफ है कि किसानों ने मोदी जी के फैसले को सराहा है, और हम ये महसूस करते हैं कि वर्तमान समय में हमारी सरकार ने किसानों के की मांग को स्वीकारते हुए अपनी सोच के साथ समझौता किया और किसानों के पक्ष में फैसला लिया। बीजेपी किस तरह की तैयारी कर रहा है विधानसभा चुनाव की, कहां कहां बैठके सम्मेलन किस कार्यक्रम में किस तरह से आयोजित होंगे? ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत सशक्त और बड़ा मोर्चा है, जो उत्तर प्रदेश के 55% पिछड़े वर्गों को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसी महीने मोर्चे के द्वारा लखनऊ के अंदर 19 सामाजिक सम्मेलन संपन्न किए गए। इस नवंबर के महीने में सभी संगठनात्मक 98 जिलों में ओबीसी मोर्चा बैठकें करने जा रहा है। दिसंबर के महीने में ओबीसी मोर्चे के द्वारा उत्तर प्रदेश में 202 बड़ी रैलियां की जाएंगी, और सदस्यता अभियान के माध्यम से पिछड़ों को जोड़ने के अभियान को तीव्र करने के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ओबीसी मोर्चा अपनी पूरी सामर्थ्य शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों को भारतीय जनता पार्टी की सोच और सरकार की उपलब्धि के साथ जोड़ने के लिए तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। और खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी पर पहले से भी अधिक भरोसा कर रहे हैं। निश्चित है 2022 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर एक बार 300 के पार के नारे को पूरा करने वाला है। ओबीसी के वोट बैंक, देश में पहली बार मोदी जी की सरकार है जिसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, ओबीसी समाज के 27 सांसदों को कैबिनेट में स्थान दिया, 27% रिजर्वेशन नीट में दिया। देश और उत्तर प्रदेश का पिछड़ा ये समझता है कि देश में पहली बार किसी सरकार ने पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी, संवैधानिक अधिकारों को दिलाने का प्रयास और संगठन में भागीदारी देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए अखिलेश जी कुछ कहें, बसपा कांग्रेस कुछ कहें, पिछड़े वर्गों के लोग अब उत्तर प्रदेश में किसी के भी झांसे में नहीं आने वाले हैं। सब लोग एकमुश्त होकर भाजपा का ही समर्थन करने वाले कितने हैं। का विषय ये कोई सार्वजनिक विषय नहीं है। जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, आवेदन होंगे, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आगे बढ़ेंगी, जिताओ सामाजिक संतुलन क्षेत्र के अनुसार प्रत्याशी के बारे में निर्णय लिया जाएगा, तो सीटों के बंटवारे के विषय में या मोर्चे की सीटों के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हमारी पार्टी हो, सहयोगी संगठन हो या विपक्षी पार्टियां हो, उनको अपनी बात कहने का हक है, वो कह रहे हैं, उनका सम्मान है।